के सुपौल जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित भीमनगर में तैनात बीएमपी 12वीं बटालियन में कोरोना ने दी दस्तक। इंडो नेपाल सीमावर्ती बीएमपी 12वीं बटालियन में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। बीएमपी के 22 जवानों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। सभी जवान इंडो नेपाल सीमा स्थित भीमनगर के 12वीं बटालियन के कैंप से जुड़े हैं। डॉक्टर ने बताया कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी 22 जवानों को वीरपुर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर आइसोलेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके संपर्क में आए अन्य जवानों की सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही कैंप को संक्रमण मुक्त कराने का काम भी जारी है। डॉक्टरों की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। वहीं वीरपुर एएसपी रामानंद कौशल पुलिस दल बल के साथ भीमनगर बीएमपी 12वीं बटालियन पहुंच जवानों को कोरोना के बचाव के तरीके बताए और बीएमपी हेडक्वार्टर के मुख्य द्वार सहित आसपास के इलाकों को सील करके बात कही। तो जांच में जितने पदाधिकारियों और सिपाहियों का गया था उसमें लगभग 22 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं और जिसके कारण यहां पर थोड़ा सा भय और अविश्वास का माहौल था, इसीलिए हम लोग आकर के यहां पर हिदायत बरतने हेतु संक्षिप्त रूप से ट्रेनिंग भी दिए हैं, समझाए भी हैं कि जो भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का दिशा निर्देश है उसका 100% पालन करें हम लोग। और जो जवान हमारे बचे हुए हैं जिनमें कि इस तरह का कोई संक्रमण नहीं पाया गया है उनमें संक्रमण का खतरा नहीं फैले इसके लिए विशेष हिदायत दी गई है। क्या सर प्रवेश द्वार को सील भी किया जाएगा? यह पूर्व में ही निर्धारित हो चुका है, यह कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है और इसका हम लोग विधिवत रूप से वरीय पदाधिकारी के आलोक में पत्र भी निकाल रहे हैं और फिलहाल गेट पर से आमजन या सामान्य रूप से भी आवागमन पर रोक लगा दी गई है। जो अनुमति प्राप्त व्यक्ति हैं वही बाहर से अंदर आ जा सकेंगे। जवान पॉजिटिव पाए गए हैं, सब लोगों की देखरेख की जा रही है। सर आगे क्या किया जा रहा है सर उन लोगों के लिए? सर अब हम बीएमपी के जितने जवान बच गए हैं बीएमपी 12 में उनके सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करवा करके उसका माने खास करके लक्षण टेम्परेचर सर्दी खांसी सांस लेने में तकलीफ इन लोगों की सभी की जांच करके जो सिम्टोमेटिक केसेज होंगे उनकी जांच तत्परता से कर करके शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का। जो पॉजिटिव होंगे उनको उनकी जो व्यवस्था है यहाँ की जाएगी। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।